मैं जा रही हूँ महादेव, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। रुको पार्वती, कहाँ जा रही हो अपने शिव को छोड़कर? रह पाओगी उनके बिना? जिसे वास्तव में जाना होता है वो कहकर नहीं जाता है पार्वती। यदि तुम सच में शिव के प्रेम से मुक्त होना चाहती हो तो उनकी भक्ति में लीन क्यों होना चाहती हो? क्यों जाने से पहले उनकी आज्ञा लेना चाहती हो पार्वती? क्योंकि भक्ति, बिना प्रेम के भक्ति का क्या अस्तित्व है? क्या बिना प्रेम के कोई भी भक्ति संभव है? और पार्वती, बिना प्रेम के विंध्य कुमार के साथ विवाह करना अनुचित है। पार्वती, निकाल दो अपने इस मन के विचलन को, भीतर के इस संचय को। कैसा संचय? कैसी विचलन? स्मरण है दीदी, आपने मुझसे एक प्रश्न किया था जिसके उत्तर में मैंने कहा था हाँ, मैं शिव से विवाह करूंगी, परंतु उसके पश्चात मुझे शिव की ना के सम्मुख होना पड़ा, माता पिता के ना के सम्मुख होना पड़ा। अब बात विवाद के लिए कुछ नहीं है। वहां द्वार पर मेरा वर खड़ा है, मुझे जाना होगा दीदी। द्वार तक जाने से पहले अपने मन के द्वार को खोलो पार्वती। मन के द्वार को तो शिव बंद कर चुके हैं मेरे लिए, निर्णय हो चुका है। रुको पार्वती, तुम जाना चाहती हो ना तो चली जाना, किंतु जाने से पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या तुम्हें शिव से प्रेम है या नहीं? उत्तर दो पार्वती। दीदी, मैं पार्वती, तुम्हें आराध्य शिव की सौगंध है केवल सत्य कहना। हाँ, मैं प्रेम करती हूँ शिव से, 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 मैं प्रेम करती हूँ शिव से। क्या तुम शिव के प्रेम को अपने हृदय से निकाल पाओगी? क्या तुम विंध्य के राजकुमार की हो पाओगी? प्रयत्न करूंगी आखिरी श्वास तक। यदि हर श्वास में शिव बसे हो तो? बोलो पार्वती, क्या तुम अपने मन से प्रयास कर पाओगी? उत्तर दो पार्वती। नहीं, कभी भी नहीं। एक ऐसा हृदय जिसके कोने कोने में केवल शिव बसे हैं, उनका प्रेम बसा है, उसे लेकर तुम किसी और की अर्धांगिनी कैसे बन पाओगी पार्वती? मौन क्यों हो पार्वती? उत्तर दो। मैं तो असुर हूं, मुहूर्त में नहीं मानता, परंतु तुम तो विंध्य के राजकुमार हो। शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है और तुम्हारी होने वाली पत्नी श्रृंगार कर रही है। जी, मैं स्वयं पार्वती को लेकर आती हूं।
बालपन में जब तुम्हें खिलौने अच्छे नहीं लगते थे ना, तो तुम माता पिता श्री से अपने मन की बात नहीं छिपाती थी, उनसे सब सत्य कह देती थी। तो फिर अब उनसे सत्य कहने में कैसा संकोच? अपना सत्य, अपनी मन की बात माता पिता के समक्ष रखना, उनका अपमान करना नहीं होता है पार्वती। परंतु माता पिता की इच्छा का सम्मान न करना, ये भी तो उनका अपमान है ना। माता पिता के निर्णय के विरुद्ध जाना, ये भी तो अनुचित है ना दीदी। अनुचित? माता श्री ने मुझे कक्ष में बंद कर दिया था, मुझे बंदी बना दिया था, क्या वो उचित था? उन्हें शंका थी कि मैं तुम्हें भ्रमित कर रही हूं, क्या उनका यह अनुमान उचित था? पार्वती, जब संबंधों की मर्यादा बढ़ने लगे तो प्रश्न और उत्तर का आधार बढ़ा देना चाहिए। अपने मन में उठ रहे सभी प्रश्नों को उत्तर को जोड़कर एक बड़े प्रश्न का आधार बनाओ, अपने जीवन का सार गढ़ो और बताओ तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सत्य क्या है? सत्य से बड़ा कुछ नहीं है। और सत्य का दूसरा नाम शिव ही तो है, और सुंदर भी, जो मेरी बहन के मन को भा गया है। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? और पार्वती कहाँ है? मंडप में उसकी सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजकुमारी पार्वती शिवलिंग की पूजा करने गई है। अच्छा, मैं देखती हूँ। क्या शिव से बढ़कर तुम्हारे लिए कुछ हो सकता है पार्वती? पार्वती, संसार की हर पुकार में से सबसे शुद्ध पुकार होती है प्रेम की निर्मल पुकार, अंतर मन की पुकार। सोचो पार्वती, टटोलो अपने मन को। पार्वती, अपने भीतर उठ रहे उलझनों की इस भंवर को शांत करो। बालपन से तुम ही तो कहती हो ना कि शिव को स्पर्श करने से तुम्हें शांति का अनुभव होता है। तो करो उस सत्य, उस सुंदर, उस शिव को स्पर्श। शांत करो अपने मन को और फिर सोचो कि आगे क्या करना है। किसी की अधूरी छवि मन में बसाने से पहले उसकी पूरी छवि की खोज अवश्य कर लेनी चाहिए। शिव को देखकर कौन डरता है? शिव के पास जाओ तो भय मिट जाता है। ऐसा लगता है मैं अपनी माँ के गोद में हूँ। इससे भय लगे, वो महादेव नहीं। यदि आप इस कोमल पुष्प को इसमें मिला देंगी तो निश्चित ही ये शिवलिंग बन जाएगा, क्योंकि महादेव के लिए तप में दृढ़ता के साथ साथ कोमल प्रेम की भी आवश्यकता है।
साथ में जो सदा, ये प्रेम ज्योति जलाए मन में सर्वदा। जटो में गंग धारा शिव ने अपनी उतारा है, जहाँ जहाँ शिवा शिवानी है। तुम यहां क्या कर रही हो पार्वती? पार्वती, पुत्री, तुम यहां क्या कर रही हो? वहां सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो मेरे साथ आ जाओ। एक बार जिस पर शिव का रंग चढ़ जाता है, उस पर ना ही संसारिकता का रंग चढ़ता है और ना ही माया का। इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकती पार्वती। अब जो भी करना है तुम्हें ही करना है। तुम्हारी नियति अब तुम्हारे हाथों में है पार्वती। परम सुंदरी तो असुर राज के सिंहासन पर ही बैठने योग्य है। पर्वतराज हिमवान, आपकी पुत्री बहुत सुंदर है, साक्षात देवी का रूप है। आपकी पार्वती को वधु के रूप में पाकर हम धन्य होंगे। पुत्री पार्वती, तुम्हें अपना वर पसंद आया ना?
पार्वती पुत्री आप विंध्य राजा तुमसे कुछ सवाल कर रहे हैं, उत्तर दो। फिर विलंब किस बात का, एक दूसरे को माला पहनाकर परिणय सूत्र की पहली गांठ बांध दो। यदि पार्वती शिव से विवाह करने के लिए सज्ज हैं, तो शिव से इस विषय में बात की जा सकती है। मुझे शिव से विवाह स्वीकार है। मुझे विश्वास है एक दिन मेरी भक्ति की शक्ति मुझे आपसे अवश्य मिलाएगी। अपने हाथों से बनी इस माला को मैं आपके प्रतीक को नहीं स्वयं आपको पहनाऊंगी शिव। बालपन से लेकर आज तक तुम जो शिव की छवि बनाती आई हो, शिव में हो गई हो तुम, क्या तुम इस बात को भी नकार दोगी? शिव अनादि हैं, शिव अनंत हैं, इस संसार के कण कण में शिव ही तो हैं। महादेव के उद्देश्य पर संशय ना करें देवी। अपने मन के द्वार को खोलो पार्वती। जब मन दुविधा में हो तो किसी निर्णय या निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व एक बार पुनः विचार अवश्य कर लेना चाहिए। सत्य का दूसरा नाम शिव ही तो है, और सुंदर भी, जिसके कोने कोने में केवल शिव बसे। तुम किसी और की अर्धांगिनी कैसे बन पाओगी पार्वती? समर्पण, इसका अर्थ जितना साधारण है उतना ही विशाल भी। ये वो भाव है जो स्वतः केवल तब आता है जब आप स्वयं से निकलकर स्वयं को देखते हैं। जब आप अपनी सभी इच्छाएं खो देते हैं तब होता है समर्पण। कभी आराध्य के लिए, कभी लक्ष्य के लिए, तो कभी स्वप्न को सत्य करने के लिए। संसार में कुछ पाना है तो स्वयं को उस दशा में लाना होगा जहां कोई इच्छा ना रहे, कोई भय ना रहे। तब आप पूर्णतः सज्ज होते हैं, तभी आराध्य की कृपा मिलती है और तभी लक्ष्य का प्रसाद मिलता है।